कार्पेट सफारी की तरफ बढ़ रहे हैं, रश काफ़ी है। तो हम रिजॉर्ट से निकले हैं और अभी सीतामढ़ी गेट की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे नॉर्मली 4,500 रुपीज़ का रेट रहता है, बट ये सीज़न में अभी 5,500 रुपीज़ ले रहे हैं। रिजॉर्ट से लेके जाएंगे और रिजॉर्ट पे छोड़ेंगे। ये अभी हम चलते वहाँ से निकल गए सीतामढ़ी, जो आप देख सकते हैं ऊपर सीतामढ़ी लिखा हुआ है, वहीं गेट पे चल रहा है। ये काफ़ी सारे गेट हैं यहाँ पे, जिरना है, डेला है, दिकुली है, गर्जिया है। ये हम जा रहे हैं सीतामढ़ी की तरफ। अगर आप इस साइड से जाएंगे तो आप रामनगर की तरफ चले जाओगे। तो फिलहाल ये हालत है सीतामढ़ी गेट के यहाँ पे। आई एम श्योर ये सारे गेट की अभी हालत होगी। आप अगर वेकेशन टाइम में आ रहे हैं तो ये देखिए लंबा जैम लगा हुआ है। आगे देखिए, ये देखिए पूरा जैम है आगे तक, पीछे भी गाड़ियाँ खड़ी हो गई हैं और आ रही हैं। हाँ, अगर आपको रियली आना हो तो ऑफ सीज़न टाइम पे आइए, नहीं तो इस तरह से जैम में फंसे रहेंगे। कप जो है देखिए आप, नीचे फेंका हुआ है और फेंक रहे हैं नीचे कचरा। प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, डू नॉट थ्रो, डू नॉट लीटर, कचरा मत फेंकिए फॉरेस्ट में आके। ये बचा कुचा फॉरेस्ट को बचा के रखिए। इतने वेट के बाद अंदर जाने को मिला। ओपन जोन है यहाँ पे बिकॉज ऑफ रश, इसको कमर्शलाइज करके रखा। चार प्रकार के कैट्स मिलते हैं और चार प्रकार के डियर मिलते हैं। सांबर सबसे बड़ा वाला डियर, मार्किंग डियर, और दो और प्रकार के डियर मिलते हैं। भरतपुर के बाद ये सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे। ये अभी सीतामढ़ी जंगलों के अंदर कच्चे ट्रैक पे फॉरेस्ट, हाथी का गोबर पड़ा हुआ है। हाथी का गोबर सीतामढ़ी जंगलों के अंदर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सीतामढ़ी गेट के अंदर ये एक वाटरफॉल भी है। एलिफेंट्स काफ़ी सारे हैं पर खैर इतने क्राउड में कुछ दिखेगा नहीं। ऐसे टाइम पर आना पड़ेगा जब रश कम हो और शांति से सुन सकें आवाज़ और देख सकें।